नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मरुधर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ खास खबरें। खबर दाता रामगढ़ से है, जहां पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में प्रधान गेंद कंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी अशोक कुमार हंडवा, तहसीलदार ओम प्रकाश शर्मा, विकास अधिकारी दुर्गा देवी ढाका मौजूद रही हैं। इसी के साथ ही सभी सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने पंचायत समिति क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा, अवैध खनन, विद्युत और सड़कों से संबंधित समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है और इसी के साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी लिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने दाता रामगढ़ क्षेत्र में चल रही पेयजल की भारी किल्लत को लेकर मांग रखी कि शीघ्र क्षेत्र में पेयजल के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए। इसके साथ ही दाता रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में हो रही अवैध बजरी खनन को लेकर भी आवाज उठाई गई है, जिस पर SDM अशोक कुमार रणवा ने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। और इसी के साथ ही बैठक के दौरान दाता रामगढ़ पंचायत समिति के पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कई विभागों के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचने पर SDM ने जताई है नाराजगी। पंचायत समिति के साधारण सभा की बैठक में माइनिंग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आबकारी विभाग सहित कई विभागीय अधिकारी नहीं पहुंचने पर SDM अशोक कुमार ने नाराजगी जताई है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जिस विभाग के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे, उन्हें नोटिस जारी कर कारण पूछा जाए। इसके साथ ही SDM ने कहा है कि आगामी बैठक में उन्हें 100% उपस्थित होना अनिवार्य है, उन्हें निर्देश दिए जाए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।